प्रदेश की स्थापना के बाद से अभी तक 63 साल में प्रदेश में कई चुनौतियों का सामना किया है। आज सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की है। इसके लिए सरकार ही नहीं, प्रदेश के हर नागरिक को व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आना होगा, जिससे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित हो सके। यह बात मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार सुबह मंत्रालय स्थित बल्लभ भवन उद्यान में आयोजित प्रदेश स्थापना दिवस समारोह में कही। इस दौरान वंदे मातरम गीत का गायन भी किया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अधिकारी, कर्मचारी एवं आम नागरिकों को प्रदेश के विकास की शपथ दिलाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश किसी एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति का है। आज प्रदेश के सामने जो चुनौतियां, उससे निपटने के लिए एक सोच में लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब उत्पादन बढ़ाने की चुनौती थी, लेकिन आज प्रदेश में बढ़ते हुए उत्पादन की चुनौती है। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई चुनौतियां हैं। हर व्यक्ति को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए प्रदेश के हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वह कैसा मध्य प्रदेश चाहता है। 10 साल बाद मध्य प्रदेश का नक्शा कैसा हो, इसके लिए सभी को मिलकर व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। यह सिर्फ सरकार से संभव नहीं होगा, बल्कि हर नागरिक को इसमें लगना होगा। These are challenges which we need to face. And when I talk of attitudinal changes, I would think that the medical profession is one profession where a doctor is not merely an employee. He is a samaj sevak also. This has got to be an attitudinal change. How do we make him into a samaj sevak? Because if he doesn't get that feeling, he doesn't get the emotion of being a samaj sevak, will be able to deliver. So attitudinal changes at every level. Today is Madhya Pradesh's 64th Foundation Day. I want to give you greetings and good wishes for this. But I do hope that this event, this conference today, when we celebrate our 74th Foundation Day, this will be one of the big milestones in achieving in the next decade what we hope to achieve. And once again, I want to thank you all. कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की 70% आबादी खेती से जुड़ी है। गांवों में किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तब बाजार रोशन होंगे। इसके लिए जरूरी है कि किसान को उपज का सही और वाजिब दाम मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़, भोपाल।